उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में 18 सितंबर 2021 को कर्णावती नदी में डूबे हुए बालक का शव 18 घंटे बाद बरामद हो गया। सुनील कुमार प्राथमिक विद्यालय चतुरिया में कक्षा 4 का छात्र था। 3 भाइयों ने सबसे छोटा था। बता दें कल 17 सितंबर को दिन के 12 बजे के आसपास सुनील कुमार बिंद पुत्र लाल बहादुर बिंद उम्र करीब 10 वर्ष घर से थोड़ी दूर कोल्हुआ घाट पर कर्णावती नदी किनारे अन्य बच्चों के साथ घूमने टहलने गया था। दुर्भाग्यवश खेलते खेलते नदी के किनारे पहुंच गया। संयोगवश पैर फिसल जाने से गहरे पानी में चला गया। नदी का बहाव बहुत तेज था जिससे वह गहरे पानी में समा गया और उसकी मृत्यु हो गई। कल परिजन ग्रामीण और चौकी प्रभारी कैपुरा अरविंद कुमार गुप्ता की मदद से काफ़ी खोजबीन की गई परंतु शाम तक बालक का शव की बरामदगी नहीं हो पाई थी। आज सुबह 6 बजे घटना स्थल से नंदिनी वहां कर 3 किलोमीटर दूर पांडेपुर के पास एक झाड़ी में फंसा हुआ बच्चे का शव बरामद किया गया। खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। कैपुरा चौकी प्रभारी अरविंद कुमार गुप्ता विधिक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। मृतक के पिता की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। मृतक की मां कुसुम देवी, भाई प्रदीप कुमार, संदीप कुमार, बहन लक्ष्मी देवी का रो रो कर बुरा हाल था। ग्राम प्रधान चतुरिया ब्रिजभूषण मौर्य, ग्राम प्रधान विनोद कुमार यादव आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए भूप नारायण मौर्य की खास रिपोर्ट।